हेलो मेरे डियर इंजीनियर्स, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम है निखिल और मैं आज आप सभी लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्लान में जो रेयरली जो कमांड यूज होते हैं उसके बारे में कंप्लीट फुल डिटेल में जानेंगे। इसको बताने के लिए आज का वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा भी हो चुका है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, वीडियो को कंप्लीट देखना है बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आप अगर स्किप करते हो तो इसके बाद वाला वीडियो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके बाद वाला जो वीडियो आने वाली है वो वीडियो मैं प्लान पे लाने वाला हूँ, तो आप लोगों को कंप्लीट देखना है और एक एक कमांड को जानना है, क्योंकि ये सब कमांड रेयरली जो है हम लोगों का प्लान बनाने में यूज होता ही है, चाहे वो मेरा 2D हो चाहे मेरा 3D ड्रॉइंग हो, तो इसको बनाने में यूज होता है, तो आप लोगों को कंप्लीट देखना है। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस TDP चैनल में। सो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं तो एक्सपोज कीजेन कैसे डाउनलोड करें उसका वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन के सेक्शन पे लिंक दिख रहा है, आप सिंपली जाओ और वहां पे मैंने अच्छे से बताया है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे ना मिलके ये वीडियो आपको टेलीग्राम, फेसबुक पेज और इंस्टा पेज, तीनों पेज आपको मिल जाएगा, तो आपको जो सुविधा बजाय आप देख लेना वहाँ पे, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, ये सब वीडियो आपको बहुत ही कम मिलती है देखने को। और साथ ही साथ मैं बता दूं तो कोई भी पर्सन हमारे इस TDP चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को भी दबाना मत भूलना, ताकि आपको नई टेक्निकल से रिलेटेड सभी वीडियो की अपडेट आपको मोबाइल पे जल्द से जल्द मिल सके। सो गाइस, वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप TDP चैनल के सोशल मीडिया से जरूर कनेक्ट हो। बहुत सारे लोगों को मैं थैंक्स इसलिए बोलूंगा क्योंकि आप लोगों को कुछ डाउट होता है तो आप लोग मुझसे पूछते हो, तो इसलिए आप लोगों को थैंक यू बोलूंगा आप लोगों को पूछने के लिए। और वीडियो से रिलेटेड अगर कुछ भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो डिस्प्ले पे आपको व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, आप सिंपली इस पर जाके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, चाहे मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। अगर ज़्यादा बड़ा इशू है तो आप व्हाट्सअप कर लेना और छोटा मोटा इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और चलते हैं हम लोग अपने ऑटोकैड की दुनिया में। स्वागत है आप सभी लोगों का ऑटोकैड की दुनिया में। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को मैंने इंट्रो में ही बताया है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो अब करेंगे वो है हम लोग प्लान ड्रॉ करेंगे। तो प्लान ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि प्लान में जो कमांड जो ज़्यादातर यूज होते हैं प्लान को ड्रॉ करने के लिए, वो कमांड हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग जल्दी जल्दी कमांड को जानते हैं, क्योंकि वीडियो को लंबा भी नहीं करना है ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट जो कमांड आता है वो मेरा कमांड है यूनिट। तो यूनिट के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा पिछली वीडियो में बताया था, तो उस समय आपको मैंने फुल डिटेल में नहीं बताया था, तो आज हम लोग इस वीडियो में यूनिट पे फुल डिस्कस करेंगे, जो भी हम लोगों का प्लान में जनरली जो कमांड यूज होता है उसके बारे में फुल्ली डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट हम लोगों का, जैसा मैंने आपको बताया कि यूनिट होता है, तो यूनिट का जो कमांड जो हो जाता है वो मेरा यूनिट हो जाता है और उसका शॉर्टकट की हो जाता है UN। तो आपको कीबोर्ड का UN टाइप करना है। और एक बात आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी हम लोग ड्राइंग प्लान हम लोग अब करेंगे तो वो प्लान करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान हम लोगों को रखना है कि यूनिट जरूर सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपको जब तक आइडिया नहीं होगा हम लोग जो प्लान कर रहे हैं वो कौन से यूनिट में है, वो मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर, इंच, फीट, किस चीज़ में है, तो वो आप ड्रॉ ही नहीं कर सकते हो। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ध्यान रखना है कि यूनिट को जरूर लेना है। यूनिट को लेने के लिए मैंने आपको बताया शॉर्टकट की UN, तो आपको कीबोर्ड का UN टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे UN टाइप करता हूँ। अब कोई भी कमांड में एंट्री करने के लिए स्पेस और इंटर का यूज करते हैं, तो आप यूज कर लेना, मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं मेरे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ चुका है। चलिए हम लोग जल्दी से डिस्कस करते हैं सब, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा आप लोगों को, एकदम ध्यान से वीडियो को देखना है। तो जैसा कि लेंथ टाइप में यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होता है, लेंथ टाइप में हम लोगों का 5 टाइप आता है, जैसा कि अभी बाय द डिफॉल्ट डेसिमल सेलेक्ट है, तो ये हमेशा डेसिमल में ही सेलेक्ट रहता है। जनरली जो हम लोग यूज करते हैं इसमें डेसिमल और ये इंजीनियरिंग यूज करते हैं। तो 5 टाइप कौन कौन है, तो फर्स्ट मेरा टाइप है आर्किटेक्चरल, फिर दूसरा है डेसिमल, थर्ड इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल और साइंटिफिक। तो आर्किटेक्चरल में हम लोग फ्रैक्शन में लेते हैं और फिर हम लोग फ्रैक्शनल में भी फ्रैक्शन में लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में फ्रैक्शन में होता है, आर्किटेक्चरल में इंच में ले लेते हैं और फ्रैक्शनल में इंच नहीं लेते हैं। डेसिमल में नाम से ही पता चल रहा है कि डेसिमल में ही नंबर लेते हैं, कोई भी जो न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे वो डेसिमल में लेंगे। तो ये हो गया। इंजीनियरिंग में भी हम लोग होंगे
वो भी डेसिमल में ले सकते हैं, डेसिमल में लेके और इंच में ले सकते हैं इंजीनियरिंग में। फ्रैक्शनल में हम लोग फ्रैक्शन में ले सकते हैं, इसमें इंच नहीं लेंगे। साइंटिफिक में हम लोग डेसिमल में लेंगे, लेकिन इसका साइन जो है अलग हो जाता है। साइंटिफिक को डिनोट किया जाता है ई से डिनोट किया जाता है साइंटिफिक को। तो जनरली हम लोग जो यूज करते हैं डेसिमल और इंजीनियरिंग यूज करते हैं, तो बाय द डिफॉल्ट जो है उसको छोड़ ही देते हैं। यहाँ पे डेसिमल है तो रहने देंगे। फिर प्रिसिजन में यहाँ पे देख सकते हो, तो प्रिसिजन में यहाँ पे 0.0 ये सब आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस जो बाय द डिफॉल्ट है इसको इसी तरह छोड़ देना है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है आप लोगों को। फिर आप लोगों को इसके नीचे आता है, तो यहाँ पे स्केल का यूनिट आप यहाँ पे ले सकते हो। यहीं पे सबसे मेन होता है आपका जो ड्राइंग होता है, या तो मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, फीट, इंच, जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे सारे जितने भी मतलब यूनिट जो है यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, तो आपको जो भी यूनिट लेना है तो यहाँ से ले सकते हो। तो जो बाय डिफॉल्ट है उसको इसी तरह छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे नीचे में आपको इंटरनेशनल और अमेरिकन मिल जाता है, तो इंटरनेशनल ही बाय डिफॉल्ट हो रहता है। फिर इधर आपको राइट साइड में देख सकते हो, तो एंगल टाइप में डेसिमल एंगल, अब यहाँ से आप एंगल भी ले सकते हो, मतलब डिग्री, रेडियन, कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आप एंगल भी ले सकते हो, तो डेसिमल डिग्री है हम लोग का, तो बाय डिफॉल्ट इसी तरह छोड़ देंगे, ठीक है। फिर हम लोग प्रिसिजन, फिर एंगल का भी प्रिसिजन होता है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर हम लोगों का आता है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज का मतलब हो गया कि क्लॉकवाइज 360 डिग्री रोटेट होता है, तो यहाँ से आप 360 डिग्री रोटेट करा सकते हो। ये हो गया हम लोगों का। फिर हम लोगों का इसी में डायरेक्शन आता है, तो यहाँ से आप डायरेक्शन भी अपना जो डायरेक्शन आपको रखना है, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, अदर कोई भी रखना है तो आप रख सकते हो यहाँ पे। तो ये हो गया मेरा एक पूरा फुल डिटेल यूनिट के बारे में, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ओके कर देते हैं। सो गाइस, अब नेक्स्ट है हम लोगों का कमांड जो है वो लिमिट है, और शॉर्टकट की है LIM, तो आपको कीबोर्ड का LIM प्रेस कर देना है। लिमिट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, लिमिट हम लोग अपर और लोअर लेते हैं, तो चलिए ले लेते हैं। तो LIM यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, फिर इंटर या स्पेस का यूज आपको कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों से अब पूछा जा रहा है स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट साइड कॉर्नर पूछा जा रहा है, तो आप कुछ भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे 0.0 ले लेता हूँ, 0.0, जैसे ही कॉमा लेंगे लॉक हो जाएगा, जैसा मैंने आपको हर वीडियो में बताया है। फिर आपको इंटर और स्पेस का यूज कर लेना है। तो देख सकते हो मेरा यहाँ पे आपको कमांड बार में भी लिख दिया कि स्पेसिफाई जो लोअर कॉर्नर पॉइंट है यहाँ पे 0.0 ले चुका है। अब हमसे पूछा जा रहा है राइट कॉर्नर में आप कितना लेना चाहते हैं, तो मैं राइट कॉर्नर में 200.400 ले लेता हूँ। तो चलिए ले लेता हूँ 200.400, यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है और इंटर और स्पेस का यूज कर लेना है। तो ये मेरा लिमिट जो है यहाँ पे ले चुका है, यहाँ पे देख सकते हो टाइप पे कमांड बार में लिख चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जो भी मेरा ड्रॉइंग होगा इसी के अंदर ड्रॉ होगा, तो यही इसका मतलब हुआ लिमिट का मतलब। सो गाइस, अब जो नेक्स्ट है हम लोगों का कमांड जो है ड्राफ्टिंग सेटिंग, और उसका शॉर्टकट की है DS, तो आपको कीबोर्ड का DS टाइप करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली टाइप करता हूँ DS, और इसके अंदर एंट्री करने के लिए स्पेस और इंटर का यूज कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को देख पा रहे होंगे, हम लोगों के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ चुका है। तो ड्राफ्टिंग सेटिंग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसको फुल डिटेल में मैं समझाने वाला हूँ। तो ड्राफ्टिंग सेटिंग के अंदर फर्स्ट जो है हम लोगों का स्नैप एंड ग्रिड, तो स्नैप एंड ग्रिड में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल स्नैप के बारे में जानते हैं। तो स्नैप का मतलब क्या है, यहाँ पे स्नैप का जो शॉर्टकट की है, आप स्नैप ऑन F9, जो कीबोर्ड का F9 बटन होता है उसको भी प्रेस करके आप स्नैप ऑन और ऑफ कर सकते हो वहां से। तो यहाँ पे मेरा अभी ऑन है, तो ऑन है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो स्नैप स्पेसिंग का मतलब यही हुआ कि X और Y में कितना स्पेसिंग आप देना चाहते हो। और एक और बात, यहाँ पे X में जितना स्पेसिंग दोगे उतना ही Y में ऑटोमेटिक वो उतना ही स्पेसिंग आ जाएगा। अभी 10 और 10 है इसका स्पेसिंग, तो इसका स्पेसिंग अभी आपको बोलने पे हम आई थिंक आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो ये 10 और 10 यहाँ पे सिलेक्ट है, तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर ओके पे यहाँ पे प्रेस कर देते हैं, ओके प्रेस कर देते हैं। अब हम लोगों को देखना है कि ड्राइंग में कैसे पता चलेगा, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो स्नैप हम लोगों का ऑन है, आप लोगों को भी चेक करना हो तो स्नैप ऑन करके ही चेक करना है, स्नैप ऑफ रहेगा तो नहीं पता चलेगा। फिर आप लोगों को क्या करना है, लाइन कमांड लेना है, तो कमांड जो है वो लाइन है और शॉर्टकट की है L, तो आपको कीबोर्ड का L टाइप करना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो हम लोग लाइन ले लिए यहाँ पे,
फिर हम लोग एक माउस से एक पॉइंट ले लेते हैं और पॉइंट से यहाँ पे बढ़ते जाते हैं। देखना अभी 70-80 देखो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो लिख रहा है 1400 अभी लिख रहा है वो थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो 10-10 का गैपिंग दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हो 10-10 का गैपिंग दे रहा है। अभी ये हो गया 10-10 का गैपिंग। फिर हम लोग मान लो वहाँ पे कुछ और नंबर लेते हैं। अभी हम लोग इस कमांड से बाहर निकलने के लिए एस्केप बटन को प्रेस करके बाहर आ चुके हैं। फिर हम लोग ड्राफ्टिंग सेटिंग में चले जाएंगे। ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाके फिर हम लोग यहाँ पे आपको नंबर कुछ और टाइप कर देना है। जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ 30 यहाँ पे टाइप करते हैं, ठीक है। 30 यहाँ पे टाइप करते हैं, फिर सेकंड में जैसे ही करेंगे तो वो ऑटोमेटिक 30 ले लेगा। फिर यहाँ पे आपको ओके प्रेस कर देना है। फिर आप फिर से रिपीट आपको लाइन कमांड ले लेना है, एल टाइप करके इंटर प्रेस कर देना है। फिर हम लोग लाइन कमांड में जैसे ही एंट्री करेंगे तो अब देखना 10 है, 510 है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो 540, मतलब 30 का गैपिंग हो गया। फिर हम लोग ऊपर की तरफ इसी तरह जाएंगे तो 30 का गैपिंग होगा। देखो यहाँ पे हो रहा है ना 30 का गैपिंग, 30 का गैपिंग। तो ये हो गया, मतलब वहां से गैपिंग दे सकते हैं, एक्स में और वाई में गैपिंग दे सकते हैं। तो ये हो गया स्नैप स्पेसिंग का मतलब, यही हो गया। फिर हम लोग ड्राफ्टिंग सेटिंग में आ चुके हैं। तो आपको यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कि स्नैप स्पेसिंग का मतलब क्या हुआ। यहाँ से आप लोग ग्रिड स्नैप, रेक्टेंगुलर स्नैप में कर सकते हो, आइसोमेट्रिक स्नैप में। तो आइसोमेट्रिक का भी हम लोग ड्राइंग करेंगे आगे चल के। फर्स्ट ऑफ ऑल जो जनरल प्लान होता है वो देख लेते हैं, उसके बाद आइसोमेट्रिक में एंट्री करेंगे। फिर हम लोगों का आता है पोलर स्नैप। तो पोलर स्नैप जो है यहाँ पे अगर पोलर स्नैप लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग एंगल लेते हैं, ठीक है। पोलर डिस्टेंस हमसे पूछा जाएगा, डिस्टेंस लेंगे। तो ये आप लोगों को अभी जो हम लोग ड्राइंग करते हैं वो 2D में करते हैं आप लोगों को, जैसा कि पता होगा। ये चीज पोलर स्नैप जो है ये हम लोगों को 3D में दिखेगा। तो अभी 3D में तो हम लोग एंट्री किए नहीं है। तो पोलर स्नैप में बस याद रखो कि इसमें एंगल लेके और उसमें जब एंगल लेंगे तो उसका डिस्टेंस जो होगा हम लोगों का एंगल का वो हम लोग को 3D में दिखेगा, 2D में अभी आपको नहीं दिखेगा। तो इतना आप बस जान लो। तो हम लोग का जो बाई डिफॉल्ट यहाँ पे ग्रिड स्नैप पे सिलेक्ट था उसी तरह इसको छोड़ देंगे। तो स्नैप के बारे में हम लोगों ने अच्छे से जाना। अब हम लोग नेक्स्ट जो है ग्रिड के बारे में जानते हैं। तो ग्रिड का मतलब क्या होता है? तो ग्रिड का जो शॉर्टकट की है F7। तो आपको कीबोर्ड का जो F7 बटन होता है ना उसको प्रेस करोगे तो ग्रिड ऑन ऑफ हो जाएगा। ग्रिड का मतलब मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो यहाँ पे ग्रिड का स्पेसिंग भी आप दे सकते हो, जिस तरह हम लोग स्नैप में दिए थे इसमें हम लोग डिस्टेंस दे रहे थे। लाइन का जो डिस्टेंस में एक्स में और वाई में गैपिंग दे रहे थे, और यहाँ पे ग्रिड में भी दे सकते हो। अभी ग्रिड का मतलब मैं समझा देता हूँ। जैसे ग्रिड मैंने ऑन कर दिया, यहाँ पे ओके जैसे ही प्रेस तो देखना अभी पता चल जाएगा। F7 यहाँ पे प्रेस करते हैं। F7 जैसे ही जब मेरा ऑन था तो ग्रिड था, जैसे ही ऑफ हो गया F7 मैंने प्रेस किया तो ग्रिड देखो यहाँ पे पूरा खाली, मतलब एक ब्लैंक आ गया, ब्लैंक पेज की तरह आ गया। तो देख सकते हो यहाँ पे फिर F7 प्रेस करेंगे तो मेरा ग्रिड आ चुका है, मतलब लाइनिंग जो होता है ग्रिड का, मतलब लाइनिंग जो है वो हट गया और F7 से लाइनिंग जो है हट गया था और F7 को प्रेस किया तो लाइनिंग मेरा आ चुका है। तो जो भी ड्राइंग करते हैं वो ग्रिड के अंदर करते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का ग्रिड। ग्रिड में आप स्पेसिंग भी यहाँ पे दे सकते हो, जितना आपको स्पेस देना है तो यहाँ पे आप स्पेसिंग दे सकते हो। तो ये हो गया हम लोगों का स्नैप एंड ग्रिड कंप्लीट। आप लोगों को आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्नैप एंड ग्रिड। फिर हम लोग ड्राफ्टिंग सेटिंग के सेकंड सेटिंग के तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड सेटिंग है अब हम लोगों का पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग का जो शॉर्टकट की है F10 है। आपको कीबोर्ड का जो F10 बटन होता है उसको प्रेस कीजिएगा तो पोलर ट्रैकिंग ऑन ऑफ हो जाएगा यहाँ से। तो पोलर ट्रैकिंग को भी हम लोग जनरली यूज जो है 3D में करते हैं। यहाँ से एंगल लेते हैं, आप जितना एंगल लोगे उतना ही एंगल पे वो चीज मतलब उठेगा। तो ये हो गया हम लोगों का पोलर ट्रैकिंग। ज्यादा इसमें इसको डिटेल में ना जान देगा क्योंकि प्लान हम लोग को जानना है। प्लान का जो सबसे ज्यादा यूज जो होता है कमांड, जो भी कमांड उसमें यूज होता है उस कमांड के बारे में जानना है। तो पोलर ट्रैकिंग का 3D में यूज है, तो 3D में जब यूज आएगा तो उस समय मैं आपको बता दूंगा। फिर हम लोग ड्राफ्टिंग सेटिंग के थर्ड सेटिंग पे चलते हैं। तो थर्ड सेटिंग है हम लोग का ऑब्जेक्ट स्नैप। तो ऑब्जेक्ट स्नैप का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट स्नैप का जो शॉर्टकट की है F3। तो कीबोर्ड का जो F3 बटन होता है उससे आप ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट स्नैप हमेशा ऑन ही रहता है बाय द डिफॉल्ट। आप यहाँ से मैं जैसे कि यहाँ पे मैं सारा ऑन करके रखा हूँ। ऑन इसलिए करके रखा हूँ अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ।
जैसे मेरा एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर, ये सब जितना भी है। तो आपको जैसे मैं अभी प्रैक्टिकल में आप लोगों को दिखाता हूँ, हम लोगों को मान लीजिए दो लाइन का एंड पॉइंट जानना है, तो उसको जानने के लिए मेरा कर्सर तो नहीं जानता कि कहाँ पे एंड पॉइंट है, तो वो वहाँ पे लिख देगा। तो अभी दिखा देता हूँ, मिड पॉइंट जानना हो, सेंटर जानना हो, तो कुछ भी जानना हो तो वहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे देख लेना, अभी जैसे लाइन कमांड ले लेते हैं, फिर से लाइन कमांड लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके राइट कॉर्नर या लेफ्ट कॉर्नर, कोई भी कॉर्नर पे आप चले जाओ, तो मैं लेफ्ट कॉर्नर पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखना ग्रीन कलर का बढ़ गया और यहाँ पे लिख दिया एंड पॉइंट हम लोग का। अगर वहाँ पे मेरा स्नैप ऑफ रहता तो नहीं लिखता। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, F3 आप लोगों को प्रेस कर देना है, F3 जैसे ही प्रेस करेंगे तो अब देखना हम लोगों का यहाँ पे नहीं लिखेगा। देखो यहाँ पे अब नहीं लिख रहा है ना यहाँ पे, तो यही होता है स्नैप ऑन ऑफ का मतलब। F3 फिर से प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अभी देखना अब फिर से हम लोगों का एंड पॉइंट लिख देगा। फिर हम लोग को मिड पॉइंट जानना है, तो मिड पॉइंट पे लाइन, जैसे ही लाइन को ले जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को मिड पॉइंट, देखो यहाँ पे मिड पॉइंट, यहाँ पे मिड पॉइंट लिख दिया। और जैसा शेप है मिड पॉइंट का, जो जानने का जो शेप था, ड्राफ्टिंग सेटिंग में दिखा देता हूँ मैं आपको, अभी मैं बाहर निकल जाता हूँ। ड्राफ्टिंग सेटिंग, जैसे देखो एंड पॉइंट जो लिखा तो हम लोगों का शेप जो है स्क्वायर टाइप में बन जाएगा, ठीक है। फिर हम लोगों का मिड पॉइंट ट्रायंगल साइप, ट्रायंगल शेप में, सेंटर जो होगा वो सर्किल के शेप में होगा। तो ये सारा नोटेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट स्नैप का मतलब, यही हो गया। फिर हम लोग ड्राफ्टिंग सेटिंग के नेक्स्ट सेटिंग के तरफ बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट सेटिंग जो है उसका नाम है 3D ऑब्जेक्ट स्नैप। तो यहाँ से आप 3D ऑब्जेक्ट स्नैप का मतलब क्या हुआ, तो 3D स्नैप जो है इसको ऑन करने के लिए आप लोगों को शॉर्टकट की है कीबोर्ड का F4। तो अब याद कर लेना कि 3D में जब हम लोग जाएंगे तो उस समय जो 3D का जो व्यू होगा उसका हम लोग को वर्टेक्स, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट जानने के लिए, तो यहाँ से आप इसको जब तक ऑन नहीं करोगे तो फिर हम लोग को 3D में भी वहाँ पे ऐसे ही लिखेगा कि ये मेरा वर्टेक्स है, ये मेरा मिड पॉइंट है। तो यहाँ से आप 3D ऑब्जेक्ट स्नैप को यहाँ से F4 से ऑन ऑफ भी कर सकते हो, चाहे ड्राफ्टिंग सेटिंग में आके यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये हो गया हम लोगों का 3D ऑब्जेक्ट स्नैप। फिर हम लोग ड्राफ्टिंग सेटिंग के नेक्स्ट सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं, तो जिसका नाम है डायनेमिक इनप्यूट। तो डायनेमिक इनप्यूट का मतलब ही है, मैंने डायनेमिक इनप्यूट में हम लोग बहुत बार आ चुके हैं, आई थिंक आप लोगों को याद भी होगा। जब हम लोग कोऑर्डिनेट का जो हम लोग वीडियो कर रहे थे, तो हम लोग जब यहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट और रिलेटिव जो सिलेक्ट कर रहे थे, तो हम लोग मतलब ड्राफ्टिंग सेटिंग में आके और डायनेमिक इनप्यूट में सेटिंग में जाके वहाँ से मतलब सेटिंग करते थे। तो आप लोगों को याद था, तो फर्स्ट जो सेटिंग था यहाँ से आप लोगों को याद था कि पोलर का हम लोगों ने रिलेटिव देखा था, पोलर का एब्सोल्यूट देखा था, कार्टेशियन का रिलेटिव और एब्सोल्यूट देखा था। अब मैंने आपको बताया था कि पोलर का एब्सोल्यूट नहीं होता है, जैसा कि, तो ये चीज मैंने आपको बताया था, तो इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जानते हैं यहाँ पे। फिर जो डिफॉल्ट है उसको छोड़ देंगे उसी तरह। फिर हम लोग यहाँ पे इधर वाले सेटिंग में जाते हैं, तो यहाँ से आप कोई भी डायमेंशन शो कर सकते, ये सब चीज का ज्यादा यूज नहीं है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को कुछ करना नहीं, जो बाय द डिफॉल्ट है उसी तरह छोड़ देना है। यहाँ पे ओके कर देते हैं। फिर हम लोग यहाँ ड्राफ्टिंग टूल्स पे जाके यहाँ पे अब साइज, मतलब जो हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू जो टाइप करते हैं उसका बॉक्स जो है, यहाँ से आप साइज छोटा या बड़ा कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी कर सकते हो, मतलब जो यहाँ पे आपको अंदर में मतलब लाइट जो दिख रहा है इसको कम बेसी कर सकते हो। तो यहाँ सो गाइस, अब जो नेक्स्ट है हम लोगों का ड्राफ्टिंग सेटिंग का, वो है क्विक प्रॉपर्टी। तो क्विक प्रॉपर्टी जो है वो डिस्प्ले को, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी को अगर करना है तो कंट्रोल शिफ्ट पी को प्रेस करेंगे तो यहाँ से हम लोग क्विक प्रॉपर्टी ओपन कर सकते हैं। तो ये चीज जो है आप लोगों को ज्यादा यूज करने जरूरत ही नहीं, जो बाय द डिफॉल्ट सिलेक्ट है उसको उसी तरह छोड़ देंगे। तो ये सब चीज आप लोगों को ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है। फिर यहाँ पे आप कर्सर डिपेंड मतलब क्वाड्रेंट में यहाँ पे कर सकते हो, मतलब क्वाड्रेंट यहाँ पे टॉप राइट से कर सकते हो, टॉप लेफ्ट, बॉटम राइट यहाँ पे कर सकते हो, तो जो डिफॉल्ट है इसको छोड़ देते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का क्विक प्रॉपर्टी। सो अब ड्राफ्टिंग सेटिंग का जो सबसे लास्ट सेटिंग है वो है सिलेक्शन साइकिलिंग। तो सिलेक्शन साइकिलिंग का जो यूज है, ये भी यूज आपको 2D में तो बिल्कुल नहीं है, इसका यूज जो है आपको 3D में। तो ये हम लोगों का हो गया ड्राफ्टिंग सेटिंग। ड्राफ्टिंग सेटिंग में आप लोगों को अभी एक और चीज जानना है, तो वो है नीचे में यहाँ पे आपको लेफ्ट कॉर्नर में ऑप्शन का यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है इसके अंदर। तो इसके अंदर हम लोग चले जाते हैं, इसके अंदर मैं आपको बता दूं, तो यहाँ से हम लोग दो ही चीज जानते हैं, ये फाइल डिस्प्ले ये सब के बारे में कुछ नहीं जानेंगे, क्योंकि ये सब जो बाय द डिफॉल्ट है उसी तरह छोड़ देंगे, इसको हम लोगों को ड्राइंग से लेना ही नहीं है, कुछ जो है बाय द डिफॉल्ट उसी तरह रहने देंगे, क्योंकि ऑटो कैड में जितना कमांड है, अगर सारा कमांड अगर आप जान जाओगे तो हो गया, आप ऑटो कैड ही सीख लिए। तो जो हम लोगों का जो ज्यादातर यूज है कमांड, उसी कमांड को हम लोग ज्यादा मेनली देखेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको जो ज्यादा कमांड यूज होता है ड्राफ्टिंग में, यहाँ से आप मेकर साइज को यहाँ पे छोटा और बड़ा कर सकते,
सकते हो, एडाप्टर साइज को भी छोटा यहाँ बड़ा कर सकते हो। देखो यहाँ पे बड़ा भी हो रहा है, छोटा भी हो रहा है, तो मेरा जो था वहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो ये भी बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो यहाँ से आप कर सकते हो, ये चीज हो गया। ठीक है, फिर हम लोग 3D में जब करेंगे तो 3D में यहाँ से आप तब जो भी सेटिंग करना हो वो कर सकते हो, सिलेक्शन यहाँ पे पिक बॉक्स बॉक्स साइज को यहाँ पे छोटा और बड़ा कर सकते हो, फिर ग्रिप साइज को यहाँ से छोटा और बड़ा कर सकते हो। तो ये हो गया हम लोगों का वही चीज है, ड्राफ्टिंग और सिलेक्शन मतलब दोनों का वही चीज है। यहाँ से अप्लाई करके और यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का कंप्लीट ड्राफ्टिंग सेटिंग हम लोगों ने जाना। आई थिंक आप लोगों को ड्राफ्टिंग सेटिंग अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। सो गाइस, हम लोगों ने अभी तक तो जाना कि ड्राइंग में सेटिंग क्या क्या करते हैं, कौन कौन सेटिंग करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ड्राइंग में कौन कौन टूल्स लेके और ड्राइंग करते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो टूल्स है वो है हम लोगों का लाइन। तो कमांड जो है वो मेरा लाइन है और शॉर्टकट की है L। तो आप लोगों को जैसा कि पता होगा तो लाइन के बारे में मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने हमेशा हर वीडियो में आपको लाइन लेना बताया है। तो ये हो गया मेरा लाइन के बारे में। फिर हम लोग नेक्स्ट टूल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टूल है मेरा सर्किल। तो कमांड जो है वो मेरा सर्किल है और शॉर्टकट की है C। तो आपको कीबोर्ड का C टाइप करना है और इंटर या स्पेस यूज कर लेना है। तो अब सर्किल में भी आपको बहुत टाइप से सर्किल बना सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि 3P, 2P, टेंजेंट और रेडियस, मतलब इतना में आप लेकर बना सकते हो सर्किल को। तो चलिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग माउस से सर्किल बनाना सीख लेते हैं। तो माउस से आपको क्या करना है, लेफ्ट क्लिक करके एक पॉइंट ले लेना है। पॉइंट से जितना आपको सर्किल लेना है आप यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू भी आप टाइप कर सकते हो। मान लो मेरे को 800 लेना है तो 800 यहाँ पे टाइप करके इंटर प्रेस कर देंगे। तो देख सकते हो मेरा सर्किल यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। फिर हम लोग सर्किल ले लेते हैं। फिर हम लोग देखो यहाँ पे, फिर हम लोग सर्किल यहाँ पे माउस से जितना लेना है माउस पे लेके यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो ये मेरा सर्किल बन चुका है। फिर अब हम लोग सर्किल के फर्स्ट टाइप के तरफ बढ़ते हैं। तो सर्किल का 3P पे बनाते हैं। तो 3P पे बनाने के लिए आप लोगों को 3P का मतलब यहाँ पे बता दूँ, तो 3P का मतलब हुआ कि तीन पॉइंट इसमें लेंगे, तीन पॉइंट्स सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे 3P पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे, अब आप लोगों को तीन पॉइंट लेना है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ। फिर आपसे पूछा रहा है दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तीसरा पॉइंट आप नीचे भी ले सकते हो और ऊपर भी ले सकते हो। तो मैं कहीं पे भी तीसरा पॉइंट ले चुका। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरा सर्किल ड्रॉ हो चुका है। तो ये मेरा हो गया 3P। फिर हम लोग सर्किल में ही 2P के बारे में जानते हैं। तो 2P के बारे में मैं बता दूँ, तो 2P का मतलब यहाँ पे है टू पॉइंट, मतलब दो पॉइंट से हम लोग सर्किल ड्रॉ करेंगे। वो कैसे करेंगे, तो फिर हम लोग 2P पे यहाँ पे जाके सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे दो पॉइंट ले लेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे ले लिए और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो दो पॉइंट से यहाँ मेरा सर्किल ड्रॉ हो चुका है। फिर हम लोग सर्किल ले लेते हैं। फिर सर्किल लेके हम लोग अब रेडियस टेंजेंट के बारे में जानते हैं। तो रेडियस आपको मान लो यहाँ पे कितना रेडियस लेना है, तो रेडियस आपको जितना लेना हो रेडियस, मान लो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, सर्कल मैंने ले लिया यहाँ पे, और आपको जितना रेडियस यहाँ पे लेना है यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। मैं जैसे मान लो मेरे को 70 लेना है, यहाँ पे 70 मैंने ले लिया। तो देख सकते हो मेरा 70 का यहाँ पे रेडियस का सर्किल बन चुका है। तो ये हो गया मेरा सर्किल कमांड। आई थिंक आप लोगों को सर्किल कमांड अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फिर हम लोगों का नेक्स्ट जो टूल है वो है आर्क। तो कमांड जो है वो मेरा आर्क हो जाएगा और शॉर्टकट की हो जाएगा ARC। तो आपको कीबोर्ड का ARC टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे ARC टाइप कर लेता हूँ, इंटर और स्पेस का यूज कर लेता हूँ। देख सकते हो मेरा यहाँ पे आर्क आ चुका है। अब आर्क बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, एक पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट लेने के लिए आपको माउस के हेल्प से पॉइंट ले सकते हो। पॉइंट यहाँ पे ले लिया और फिर हमसे पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस पे आर्क बनाना है। तो मान लो यहाँ पे मेरे को आर्क बनाना है। तो देख सकते हो यहाँ पे आर्क ड्रॉ हो रहा है, ये नीचे हो गया। आप अगर आपको ऊपर करना है तो ऊपर की तरफ कर सकते हो, इधर करना है इधर करना है इधर कर सकते हो, ऊपर करना, मतलब कोई भी डायरेक्शन में कर सकते हो। तो यहाँ से आर्क अपना ड्रॉ कर सकते हो। तो ये मेरा हो गया आर्क। अब आर्क का एक और मेथड क्या है, तो आर्क फिर से मैं आर्क ले लेता हूँ। आर्क बनाने के लिए अब तीन पॉइंट से भी आर्क बना सकते हो। देख सकते हो मैं बता देता हूँ, एक मिनट। एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले सकता हूँ विद दी हेल्प ऑफ माउस से लेना है आपको पॉइंट। फिर मैं यहाँ पे मान लो यहाँ पे ले लेता हूँ और फिर आपको थर्ड यहाँ पे आर्क ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो आर्क मेरा तीन पॉइंट से भी बना है। तो ये मेरा हो गया फुल आर्क के बारे में। फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अब है हम लोगों का इलिप्स। कमांड जो है इलिप्स है और शॉर्टकट की है EL। तो आपको कीबोर्ड का EL टाइप करना है, एंटर और स्पेस यूज कर लेना है। तो EL यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ। इलिप्स के लिए आपको, मैंने हम लोग इलिप्स में आ चुके हैं।
अब इलिप्स ड्रॉ करने के लिए आपको भी दो पॉइंट यहाँ पे ले लेना है। अब यहाँ पे देख सकते हो इलिप्स मेरा ड्रॉ होगा, अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे इलिप्स ड्रॉ हो रहा है ना, तो ये मेरा इलिप्स ड्रॉ हो रहा है। तो इलिप्स का भी यूज होता है जनरली, मतलब जब हम लोग खिड़की का डिजाइन करते हैं तो इलिप्स का वहां पे थोड़ा मोरा यूज हो सकता है। आर्क का, आर्क के डिजाइन से भी खिड़की बनता है, बट इलिप्स के डिजाइन से थोड़ा अच्छा बनता है। तो ये हो गया हम लोगों का इलिप्स का यूज। सो गाइस, अब जो नेक्स्ट जो टूल्स है हम लोगों का वो है रेक्टेंगल। तो कमांड जो है वो रेक्टेंगल है और शॉर्टकट की है RAC। तो आपको कीबोर्ड का REC टाइप करना है और इंटर और स्पेस का यूज कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली टाइप करता हूँ और इंटर स्पेस का यूज कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे रेक्टेंगल में हम लोग एंट्री कर चुके हैं। अब रेक्टेंगल में एंट्री करने के लिए रेक्टेंगल को हम लोग तीन चार टाइप से बना सकते हैं। वो कैसे? तो फर्स्ट जो है हम लोग विद दी हेल्प ऑफ माउस से बना सकते हैं। तो माउस से कैसे बनाएंगे? तो आप माउस से लेफ्ट क्लिक करके और एक पॉइंट लेंगे और यहाँ पे आपको जितना रेक्टेंगल लेना है यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग एक रेक्टेंगल माउस के हेल्प से बना चुके हैं। फिर हम लोग रेक्टेंगल के फर्स्ट टाइप हम लोग चैम्फर टाइप से बनाते हैं। तो चैम्फर बनाने के लिए चैम्फर पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग से पूछा जा रहा है कि चैम्फर आपको कितना लेना है। तो हम यहाँ पे मान लीजिए टाइप करते हैं 70, यहाँ पे चैम्फर ले लेता हूँ। फर्स्ट पॉइंट का 70 लिया और सेकंड पॉइंट का 80 ले लेता हूँ। यहाँ पे 80 ले लिया, इंटर प्रेस कर दे। अब हम लोग जो यहाँ पे जो रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे देखना, यहाँ पे देख सकते हो जो हम लोगों का रेक्टेंगल जो ड्रॉ हुआ है ये चैम्फर में क्या होता है। तो रेक्टेंगल जो कॉर्नर साइड कट जाता है वहाँ पे कट के और ट्रायंगल साइज की तरह बना देता है। तो ये हो गया मेरा मतलब चैम्फर के तरीके से, चैम्फर में हम लोग कॉर्नर साइज को कट कर देते हैं। ये हो गया। सो गाइस, रेक्टेंगल का जो सेकंड टाइप्स है हम लोगों का एलिवेशन के तरीके से बनाते हैं। तो एलिवेशन के तरीके से कैसे बनेगा? तो आपको एलिवेशन पे क्लिक कर लेना है। एलिवेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि एलिवेशन आप कितना लेना चाहते हैं। तो एलिवेशन मैं मान के चलिए यहाँ पे 50 ले लेता हूँ। 50 यहाँ पे लेके और स्पेस और इंटर का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे ले लिया, फर्स्ट कॉर्नर आपसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट कॉर्नर मान लीजिए हम 70 ले लेते हैं यहाँ पे और फिर से इंटर प्रेस कर देते हैं। तो देख रहा मेरा 70 से उठेगा, मेरा जो रेक्टेंगल जो है मेरा 70 से उठा। यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट है हम लोगों का इधर लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट पॉइंट है वो 70 से उठा। आप कितना आपको ले जाना है यहाँ पे आप ना रख सकते हो रेक्टेंगल को एलिवेशन के तरीके से बनाने का। फिर हम लोग रेक्टेंगल के थर्ड तरीके पे आते हैं, तो वो है फिलेट। तो चैम्फर और फिलेट में कोई अंतर नहीं है, अंतर बस यही है कि यहाँ पे ये कट करके स्ट्रेट लाइन बना रहा था और यहाँ पे ये कट करके अब आर्क बना देगा। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। फिलेट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे फिलेट पूछा जा रहा था। फिलेट आपको कितना डालना है आप मान लीजिए, यहाँ पे मैं 30 डाल देता हूँ। 30 डाल के इंटर प्रेस कर देता हूँ। अब जो मैं ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे आप देखना, भी देख सकते हो जो मेरा रेक्टेंगल जो ड्रॉ हुआ था पहले जो था वो मेरा लाइन से यहाँ पे कनेक्ट होता था, अब मेरा आर्क से यहाँ पे गोला कर दिया। तो ये मेरा हो गया फिलेट। ये सारा यूज जो है हम लोगों को प्लान में आएगा, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे फुल डिटेल में बता रहा हूँ एक एक चीज। फिर हम लोग रेक्टेंगल के सेकंड लास्ट तरीके की तरफ चलते हैं। तो अब है थिकनेस। यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेता हूँ और यहाँ पे थिकनेस। अब थिकनेस आपको मान लीजिए यहाँ पे 30 देना है, 30 इंटर कर देता हूँ और फर्स्ट कॉर्नर हमसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पे 50 लिख टाइप करना है। अब देखो यहाँ पे, अब जो यहाँ पे जो हम लोगों का थिकनेस जो था, यहाँ पे देखो जो 30 हम लोगों ने टाइप किया था उतना ही 30 यहाँ पे थिकनेस आ चुका है। तो ये हो गया हम लोगों का रेक्टेंगल में हम लोग लाइन का थिकनेस ऐसे लेते हैं। फिर हम लोग रेक्टेंगल में हम लोग विड्थ का भी यहाँ पे साइज ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको विड्थ पे क्लिक कर देना है। विड्थ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे विड्थ आपसे पूछा जाएगा। तो विड्थ मान लीजिए यहाँ पे हम 20 लेते हैं, 20 लेके और इंटर प्रेस कर देते हैं। अभी देखना, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे जो मेरा विड्थ जो है वो 20 का स्पेस लेके और विड्थ यहाँ पे ले चुका है। तो ये मेरा विड्थ इतना लेके आप रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हो गया हम लोग, ये मतलब फुल डिटेल हम लोगों का रेक्टेंगल हो चुका है। तो हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से जाना रेक्टेंगल के बारे में। सो अब जो नेक्स्ट जो टूल्स है हम लोगों का वो टूल्स है डू नॉट। तो कमांड जो है डू नॉट है और शॉर्टकट की है DO। तो आपको कीबोर्ड का DO टाइप करना है। यहाँ पे DO टाइप करके इंटर का यूज कर लेना है। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। डू नट का मतलब क्या होता है? डू नट का मैं बता दूँ तो दो नट, मतलब दो नट, नट देखा ना आपने, नट मतलब नट जो होता है उसका विड्थ जो कुछ दिया रहता है बीच में गैपिंग रहता है, तो वही है डू नट। नट का यूज यहाँ पे करेंगे। इसको ड्रॉ करने के लिए दो सर्किल का यूज करेंगे ना, तो इसमें ऑलरेडी दो सर्किल दिया हुआ है। तो फर्स्ट हम लोगों का इनसाइड जो डायमीटर पूछ रहा है डू नट का वो कितना आप लोगों को देना है। तो आप लोग जो भी वैल्यू, मैं यहाँ पे मान लो 40 दे देता हूँ। यहाँ पे 40
टाइप करके इंटर का यूज कर लेना है। फिर हमसे पूछा जा रहा है कि आउटसाइड में आपको कितना देना है, तो मान लो यहाँ पे 60 टाइप करके इंटर का यूज कर लेना है, हो गया। अब आपको क्या करना है, अब देखना अभी, फिर आपको लेफ्ट क्लिक करके और यहाँ पे आपको जितना बड़ा करना है यहाँ पे क्लिक कर देना। अभी आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैं अभी दिखा देता हूँ। इसको आपको माउस के कर्सर से आपको रोटेट करके आगे की तरफ आना है। देख सकते हो यहाँ पे कुछ नट के जैसा बना है ना हम लोग का फिगर, तो यही हो गया डू नट का यूज। इसका यूज भी हम लोग प्लान में करते हैं कहीं कहीं ड्रॉ में। यहाँ पे देखो हम लोगों ने दो ड्रॉइंग किया था। अभी देखो यहाँ पे, अभी आप लोगों को थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। देखो अब दिखाई दे रहा है ना अच्छे से। तो ये हो गया मेरा नट के जैसा यूज, तो ये है हम लोगों का डू नट। सो गाइस, अब जो नेक्स्ट टूल्स है हम लोगों का पॉलीगन। तो आपको कमांड जो है पॉलीगन है और शॉर्टकट की है POL। तो आपको कीबोर्ड का POL टाइप करना है, तो POL टाइप करके इंटर का यूज कर लेना है। तो पॉलीगन पे आ चुके हैं, तो आप यहाँ पे चार कितना भी साइड दे सकते हो। यहाँ पे चार ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम चार दे देते हैं। और यहाँ पे अभी मान लो यहाँ पे देखो चार साइड है ना पॉलीगन के, ये हो गया। अब फिर से हम लोग पॉलीगन ले लेते हैं। अब यहाँ पे मान लो हम लोग छह साइड देते हैं, छह साइड दिया। और फिर हमसे अब सरकमफेरेंस अबाउट सर्किल के अति से देखो, अब यहाँ पे देखो अब जो पॉलीगन है ये छह साइड है, इसमें एक साइड दो साइड तीन चार पाँच छह साइड है ना। ये रेक्टेंगल पे पॉलीगन बना और ये सर्किल पे पॉलीगन बना, तो ये हो गया हम लोगों का पॉलीगन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो गाइस, अब जो नेक्स्ट है हम लोगों का, अब जितने भी कमांड जो अब मैं बताऊंगा तो वो छोटा छोटा कमांड है, तो वो जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ और आप लोग ध्यान से सुनते जाना। तो अब नेक्स्ट है पॉइंट कमांड। तो पॉइंट कमांड का जो कमांड जो है पॉइंट है और शॉर्टकट की है PO। तो PO आपको टाइप करना है और इंटर यूज कर लेना है। तो पॉइंट कमांड का यूज जो है आपको क्या करना है, एक पॉइंट दे सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट मेरा आ चुका है, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके दिखा भी देता हूँ, तो ये मेरा पॉइंट, यहाँ से आप पॉइंट दे सकते हो। तो ये हो गया हम लोगों का पॉइंट कमांड। सो गाइस, अब जो नेक्स्ट है हम लोगों का इरेज कमांड। तो कमांड है हम लोगों का इरेज और शॉर्टकट की है ERASE, फिगर ड्रॉ कर दिया। अब इरेज जाने हैं, ERASE इरेज पे जाके और इंटर कर लेना है। तो देखो यहाँ पे इरेज से क्या हुआ, ये लाइन जो है यहाँ से आप इरेज करके हटा सकते हैं। तो यहाँ से आप इरेज कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे इजिली इरेज हो रहा है। तो ये हो गया मेरा इरेज कमांड। सो गाइस, अब जो नेक्स्ट है हम लोगों का है अंडू। तो कमांड जो है अंडू है और शॉर्टकट की है Ctrl+Z। तो अंडू कमांड का यूज जो है हम लोग, जैसे मैंने अभी रेक्टेंगल फिगर बनाया था, अगर उस फिगर को हमको दोबारा लाना है तो Ctrl+Z प्रेस करेंगे तो वो फिगर आ जाएगा। दिखा देता हूं मैं, तो आपको कीबोर्ड का Ctrl+Z प्रेस करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे जो हम लोगों ने रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, इससे इरेज में बताया था रेक्टेंगल करके, वो चीज यहाँ पे आ चुका है। तो अंडो में मतलब आप बैक में उसको ला सकते हो, मान लो कोई चीज डिलीट हो गया तो उसको आप अंडू कर सकते हो। तो ये हो गया मेरा अंडू। फिर हम लोग का नेक्स्ट जो है अब है रीडो। तो उस कमांड जो है रीडो है और उसका शॉर्टकट की है Ctrl+Y। तो रीडो जो है वो जस्ट उल्टा है अंडू से। क्यों उल्टा है, क्योंकि देखो अभी जैसे ये फिगर हम लोगों ने अंडू करके लाया, अब हम लोग को मान के चलो उस समय हम लोग का फिगर नहीं था तो हम लोग आगे जाना चाहते हैं, तो फिर हम लोग Ctrl+Y को प्रेस करेंगे तो ये फिगर हट जाएगा। देखना अभी देखो हट गया, फिर हम लोग आगे चले आए। तो यही होता है मतलब जस्ट उल्टा अंडू। तो ये हो गया हम लोग का रीडो कमांड। सो अब जो नेक्स्ट है हम लोगों का टूल्स है वो है एक्सप्लोड। तो कमांड जो है एक्सप्लोड है और शॉर्टकट की है X। एक्सप्लोड को यूज करते हैं कोई भी ज्वाइन को तोड़ने के लिए। तो मैं अभी एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूं और वहां पे आप लोगों को बता देता हूं। तो ऑब्जेक्ट जब ज्वाइन होगा तो किस चीज में ज्वाइन होगा, तो या तो रेक्टेंगल में होगा या तो स्क्वायर में होगा। तो मैं रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, तो रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए REC टाइप करके और एंटर यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर चुका हूँ, अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप एक पॉइंट पे सिलेक्ट करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे मेरा पूरा रेक्टेंगल यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। अब एक्सप्लोड का यूज जो है क्या चीज का होता है, तो मैं अभी दिखा देता हूँ। अब आप लोगों को क्या करना है, एक्सप्लोड लेना है। तो एक्सप्लोड लेने के लिए X टाइप करना है और इंटर यूज कर लेना है। तो इंटर यूज का अब पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, किस चीज को एक्सप्लोड, किस चीज को आप तोड़ना चाहते हैं। तो हम लोगों को रेक्टेंगल को तोड़ना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और इंटर का यूज कर लेंगे। अब देखना जो लाइन सिलेक्ट करोगे एक ही लाइन यहाँ पे सिलेक्ट होगा। देखो यहाँ पे पहले जो हम लोग लाइन सिलेक्ट करते थे वो चारों लाइन मतलब रेक्टेंगल सिलेक्ट हो रहा था, अब जो है अब लाइन एक एक लाइन करके सेलेक्ट हो रहा है। तो ये हो गया हम लोगों का एक्सप्लोड का यूज जो होता है, यहीं पे हम लोग करते हैं ज्वाइन को तोड़ने में यूज करते हैं एक्सप्लोड का।
सो गाइस अब जो नेक्स्ट है हम लोगों का है कॉपी। तो कमांड जो है कॉपी है, इसका शॉर्टकट की है CO। तो आपको कीबोर्ड का CO टाइप करना है और इंटर प्रेस कर देना है। कॉपी का मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप कॉपी करके सी का सेम टू सेम कॉपी कर सकते हो। तो मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मान के चलिए यहाँ पे हमसे ऑब्जेक्ट पूछ रहा है किस चीज़ को आप कॉपी करना चाहते हैं। तो मान के चलिए मुझे ये लाइन कॉपी करना है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके और इंटर का यूज कर लेंगे। अब देखो कहाँ पे कॉपी करना है, तो इसको यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके और यहाँ पे कहाँ पे आपको ले जाना है, तो जहाँ पे आपको ले जाना है वहाँ पे क्लिक करके आप जहाँ पे भी इसको ले जाके यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ फिर से, जहाँ पे ले जाना है और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर देना है। तो देख सकते हो यहाँ पे कॉपी हो रहा है, सेम लाइन वही हो रहा है। फिर मैं अभी दिखा देता हूँ, मान के चलो मुझे ये रेक्टेंगल कॉपी करना है, तो CO कॉपी करेंगे और यहाँ पे, और फिर हमको कहाँ से कॉपी करना है, तो मान के चलो यहाँ एंड पॉइंट से करना है, तो एंड पॉइंट से करते हैं और यहाँ पे बगल में इधर जाके और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके इसको रख देते हैं। तो देख सकते हो मेरा यहाँ पे कॉपी सेम टू सेम रेक्टेंगल यहाँ पे कॉपी हो चुका है। तो ये हो गया मेरा कॉपी। फिर हम लोगों का आता है नेक्स्ट है मूव। तो कमांड जो है वो है मूव और शॉर्टकट की है M। तो अब आपको कीबोर्ड का M टाइप करना है और यहाँ पे, तो इसमें मैं बता दूँ तो कोई भी ऑब्जेक्ट को आप मूव करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जा सकते हो। तो मैं अभी दिखा देता हूँ, मान के चलो ये लाइन है नीचे है, तो इसको ऊपर की तरफ ले जाना है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और इंटर प्रेस कर देना है। अब आपको कहाँ से इसको मूव करना है, तो मान के चलो मैं यहाँ से मतलब एंड पॉइंट से इसको मूव करता हूँ। तो अब जहाँ पे ले जाने का मन है यहाँ पे आप अपना, अभी मेरा ऑर्थो ऑन है तो इसलिए स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है। ऑर्थो जैसे ही ऑफ करेंगे, ऑर्थो ऑफ करने के लिए F8 को प्रेस करेंगे। अब देखो कोई भी डायरेक्शन में आप ले जा सकते हो यहाँ पे मूव करके। देख सकते हो वहाँ पे चला गया मेरा ये लाइन जो है यहाँ पे मूव होके आ गया। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करके किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी कोई भी प्लेस पे ले जा सकते हो। तो ये मेरा हो गया मूव कमांड। सो गाइस अब जो नेक्स्ट है हम लोगों का है ट्रिम। इसका कमांड जो है ट्रिम है और इसका शॉर्टकट की है TR। तो आपको कीबोर्ड का TR टाइप करके इंटर और स्पेस का यूज कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ तो इंटर और स्पेस का यूज जो है आप दो बार करेंगे, मतलब कि इंटर जो एक बार आप यूज करते थे, यहाँ पे ट्रिम में हमेशा आपको दो बार यूज करना होगा। तो एक बार फिर से हम इंटर यूज कर लेंगे। अब देखना अब ट्रिम यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हो लाइन कटने का ऑप्शन आ चुका है। एक बार जब हम इंटर प्रेस कर रहे थे तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा था। दो बार आपको इंटर प्रेस करना होगा तभी जाके आप ट्रिम कमांड में एंट्री कर पाओगे। तो यहाँ पे फिर इस पे जाके और आपको लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे काट सकते हो, मतलब लाइन जो ज़्यादा हो गया तो इसको काट सकते हो। फिर इसको भी अगर आपको काटना है तो इसको काट सकते हो, इसको काटना, मतलब जिसको भी ट्रिम का काम ही है छाटना और काटना, बस यही दो ही काम है। सो गाइस अब जो नेक्स्ट है हम लोगों का है एक्सटेंड। कमांड जो है एक्सटेंड है और इसका शॉर्टकट की है आपको EX। तो आपको कीबोर्ड का EX टाइप कर लेना है। तो EX टाइप करने के बाद एक्सटेंड में हम लोग आ चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं तो एक्सटेंड में भी आपको दो बार इंटर का यूज करना होगा तभी जाके, देखो अभी यहाँ पे एक्सटेंड नहीं हो पा रहा है। तो एक बार फिर से इंटर प्रेस करेंगे तो अब देखना एक्सटेंड हो जाएगा। अभी एक्सटेंड नहीं हो रहा है क्योंकि लाइन यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है। अब देखो यहाँ पे मैं ज्वाइन करता हूँ, यहाँ पे देखो एक्सटेंड, मतलब यहाँ पे जो लाइन जो है आगे इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये कितना एक्सटेंड करेगा यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, अब इसका एक्सटेंड अगर करना है तो इसके अंदर ही इतना ही दूर एक्सटेंड हो सकता है, ये इतना ही दूर एक्सटेंड हो सकता है। तो यहाँ पे एक्सटेंड करने के लिए इस लाइन पे जाके कर्सर को रखेंगे और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो ये मेरा एक्सटेंड हो चुका है। फिर यहाँ पे जाएंगे, इस कर्सर को रखेंगे, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये मेरा एक्सटेंड हो चुका है। तो ये हो गया एक्सटेंड का यूज। सो गाइस अब जो नेक्स्ट है हम लोगों का है फिलेट। तो कमांड हो जाएगा फिलेट और शॉर्टकट की हो जाएगा F। तो आपको कीबोर्ड का F टाइप करना है और इंटर या स्पेस यूज कर लेना है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे F टाइप कर लेता हूँ और इंटर या स्पेस का यूज कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे हम फिलेट कमांड में एंट्री कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पे बता दूँ तो फिलेट के अंदर 5 ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे आप नीचे के साइड में देख पा रहे होंगे कमांड बार में यहाँ पे आ चुका है क्या क्या है, तो मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। तो फर्स्ट है मेरा अंडू, सेकेंड है मेरा पॉलीलाइन, थर्ड है रेडियस, फोर्थ है ट्रिम और फिफ्थ है मेरा मल्टीपल। तो ये मेरा हो गया 5 ऑप्शन फिलेट का। अब एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, तो जो हम लोगों ने कमांड मैंने आपको बताया है तो वो कमांड आपको ऊपर की साइड यहाँ पे दिख भी रहा होगा। मूव कमांड, कॉपी, स्ट्रेच, स्केल, ये सब के बारे में मैंने बताया है। तो यहाँ से भी आप इजिली मतलब टाइम कम स्पेंड करने के लिए यहाँ से आप लोग यूज कर सकते हो। तो ये हुआ। अब चलिए फिलेट के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं तो फिलेट का यूज जो है कहाँ पे करते हैं, तो फिलेट का यूज जो है हम लोग कर्व बनाने में करते हैं। कोई भी कॉर्नर को कर्व बनाने में फिलेट का यूज करते हैं।
तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले हम लोग वैल्यू डाल देंगे कितना मेरे को कर्व करना है। तो मान लीजिए मेरे को 90 कर्व करना है, यहाँ पे मैं फॉर दी एग्जांपल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 90 टाइप कर लूंगा और इंटर या स्पेस का यूज कर लेना है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो आपको फर्स्ट ऑब्जेक्ट मान लो मैं इस लाइन को फर्स्ट ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ। फिर हमसे पूछा जा रहा है सेलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, तो मैं इस लाइन को सेकंड ऑब्जेक्ट। जैसे ही इस पे जाएंगे तो यहाँ पे देखना कर्व का आपको दिख भी रहा होगा, अभी नहीं दिख रहा, तो इस पे आपको लेफ्ट क्लिक कर देना है। अब देखना मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो मेरा जो है कॉर्नर जो है यहाँ पे कर्व हो चुका है, आप लोग देख भी सकते हो, तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। अब चलिए हम लोग फिलेट के ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को चलिए अब फिलेट के ऑप्शन के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट मेरा ऑप्शन जो है फिलेट का वो है अंडू, तो मैं चलिए अंडू पे इस पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपको माउस से सिलेक्ट कर लेना है अंडू। फिलेट में जो अंडू है इसका भी मतलब कर्व ही होता है, आप कर्व इसको इजिली कर सकते हो। मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। मान लीजिए अंडू से हमको कर्व करना है, तो यहाँ पे आप लोगों को टाइप कर लेना है अपना कोई सा भी नंबर जितना करना है। मान लीजिए 70 करना है, तो मैं यहाँ पे 70 टाइप करता हूँ और इंटर प्रेस कर लेता हूँ। तो ये मेरा हो गया, फर्स्ट लाइन सिलेक्ट हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट सेकंड लाइन, तो यहाँ पे आप सेकंड लाइन जैसे ही सिलेक्ट करोगे फिर से यहाँ पे कर्व हो चुका है। अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पे इजिली मेरा कर्व हो चुका है। तो ये हो गया मेरा अंडू का यूज। सो गाइस फिलेट के सेकंड ऑप्शन के तरफ चलते हैं जिसका नाम है पॉलीलाइन। अब मैं आप लोगों को पॉलीलाइन के बारे में बता दूं, तो पॉलीलाइन ऐसे ही यूज नहीं होगा। पॉलीलाइन में कर्व लाने के लिए हम लोगों को पॉलीलाइन बनाना भी पड़ेगा। तो यहां पे आप लोगों को एक और कमांड मैं आप लोगों को बता देता हूं, तो वो कमांड का नाम है पॉलीलाइन और इसका शॉर्टकट की है PL। तो आपको कीबोर्ड का PL टाइप कर लेना है। मैं यहाँ पे अभी इस कमांड से बाहर निकल जाता हूँ, फिलेट कमांड से, तो एस्केप करके आप लोगों को बाहर आ जाना है। फिर हम लोगों को पॉलीलाइन लेना है, तो पॉलीलाइन लेने के लिए PL आपको टाइप कर लेना है और इंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा पॉलीलाइन आ चुका है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि स्टार्टिंग आप कहाँ से करेंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और पॉलीलाइन यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे मैं इतना ले लेता हूँ इसको और नीचे की तरफ इतना चला जाता हूँ और देख सकते हो कि मैं पॉलीलाइन यूज करके मैंने एक एल टाइप का बना लिया है। ठीक है, तो अब हम लोगों को फिलेट इसमें यूज करने का तरीका मैं बता देता हूँ। तो मैं फिर से फिलेट ले लेता हूँ और फिलेट ले लेना है और पॉलीलाइन का ऑप्शन चूज कर लेना है यहाँ पे। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसका रेडियस आप कितना देना चाहते हो। तो मान लो मेरे को 90 देना है, तो मैं यहाँ पे 90 टाइप करता हूँ और इंटर प्रेस कर लेता हूँ। तो देखना ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे कर्व हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिक 90 कर्व हो चुका है। ठीक है, तो पॉलीलाइन का यही है। पॉलीलाइन में अगर कर्व करना है तो आप लोगों को पॉलीलाइन फ्लेट में ले लेना है और वहाँ पे रेडियस डाल देना है, डायरेक्ट वो कर्व हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का पॉलीलाइन। सो गाइस फिलेट के थर्ड ऑप्शन के तरफ चलते हैं, तो थर्ड ऑप्शन का नाम है रेडियस। तो अब रेडियस का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो रेडियस आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि सर्कल में ज्यादा रेडियस का यूज होता है। तो अब आप मान के चलिए कि सर्कल में मुझे कर्व बनाना है, तो वो कैसे होगा, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, रेडियस पे सिलेक्ट कर लेना है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि रेडियस आप कितना देना चाहते हो, कमांड बार में लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को कितना देना है, मान लीजिए 60 हम लोगों को रेडियस देना है, तो यहाँ पे 60 आप लोगों को टाइप करना है, इंटर प्रेस कर देना है। अब हमसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर हमसे पूछा जा रहा है सेकंड ऑब्जेक्ट आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए, तो मैं यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट जैसे, तो देख सकते हो यहाँ पे अभी आप लोगों को दिख नहीं रहा, तो मैं जूम करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा कर्व आ चुका है, एक दो सर्कल के बीच में कर्व आ चुका है। तो ये हो गया मेरा मतलब सर्कल में रेडियस देके और कर्व कितना करने का, तो ये हो गया हम लोगों का रेडियस। फिर हम लोगों का आता है फिलेट में फोर्थ ऑप्शन ट्रिम। तो ट्रिम के बारे में मैंने आपको लोग बताया है कि ट्रिम का मतलब ही होता है काटना और छाटना। तो आप ट्रिम से किसी चीज को काट सकते हैं और किसी चीज को हटा सकते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का ट्रिम का। अब फिर नेक्स्ट जो आता है हम लोगों का है मल्टीपल। तो मल्टीपल का यूज भी है, आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करके और वैल्यू मान लो 70 यहाँ पे टाइप करना है, कर दिए। अब मल्टीपल में क्या होता है, तो आप जैसे ही वैल्यू टाइप करोगे ऑब्जेक्ट जो होगा, एक ऑब्जेक्ट आप लोगों का ऑलरेडी ये सेलेक्ट कर लेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, सेकेंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेकेंड ऑब्जेक्ट जैसे ही सेलेक्ट करोगे फिर से मेरा यहाँ पे कर्व दे देगा। तो ये हो गया हम लोगों का मल्टीपल। तो आई होप आप लोगों को फिलेट समझ में आया होगा, और कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो गाइस अब जो नेक्स्ट है हम लोगों का है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जानेंगे।
क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के बारे में बता दूं, तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के अंदर भी बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं जिसको हम लोग बारी बारी से अभी देखने वाले हैं। तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी का यूज जो है हम लोग ड्रॉइंग में करते हैं, हैचिंग में करते हैं, डायमेंशनिंग करने में करते हैं, तो इसका यूज जो है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी का ये सब चीज में हम लोग करते हैं। अब चलते हैं हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन सा प्रॉपर्टी आते हैं। तो मेरा फर्स्ट जो प्रॉपर्टी जो आता है वो है कलर। तो कमांड जो मेरा हो जाएगा कलर है, और इसका शॉर्टकट की है COL। तो आपको कीबोर्ड का COL टाइप करना है और यहाँ पे इंटर प्रेस कर लेना है। तो मैं यहाँ पे COL टाइप करता हूँ और इंटर प्रेस कर देता हूँ। देख सकते हो कि मेरा कलर यहाँ पे आ चुका है। तो कलर का यूज जो है आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कलर कर सकते हो, चाहे वो मेरा लाइन हो, चाहे मेरा वो हाउस हो, चाहे मेरा प्लान हो, कोई भी चीज को आप कलर कर सकते हो। तो ये हो गया मेरा कलर का यूज। तो चलिए हम लोग कलर का यूज करके मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने रेड सेलेक्ट कर लिया है, ओके प्रेस कर लेना है, और अब जो लाइन लेना है आप लोगों को लाइन ले लेना है और यहाँ पे इंटर इसको क्लिक कर देना है। देख सकते हो मेरा लाइन जो है अब रेड कलर का आ रहा है यहाँ पे, देख सकते हो बहुत ही इजी इफेक्ट से। मैं इसको स्ट्रेट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक फिगर भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो ये हो गया मेरा कलर का यूज। सो गाइस, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के अंदर सेकंड जो प्रॉपर्टी आता है उसका नाम है लाइन टाइप। तो कमांड जो हो जाएगा मेरा लाइन टाइप हो जाएगा और इसका शॉर्टकट की हो जाएगा LT। तो आपको कीबोर्ड का LT टाइप करना है और इंटर या स्पेस का यूज कर लेना है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे LT टाइप करता हूँ और इंटर और स्पेस का यूज आपको कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो देख सकते हो मेरा लाइन टाइप यहाँ पे खुल के आ चुका है। तो मैं अब इसके बारे में आप लोगों को बता दूं, तो लाइन टाइप में हम लोग किसी भी लाइन का जो जितने भी टाइप होते हैं लाइन के, वो कोई भी लाइन हम यहाँ से ले सकते हैं। मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ बहुत सारे लाइन के टाइप होते हैं, चाहे वो मेरा लाइन जो है डैश डैश लाइन हो, चाहे वो मेरा कंटिन्यूअस लाइन हो, कोई भी लाइन हो यहाँ से आप लोग मिल जाएगा। तो आप लोगों को मैं बारी बारी से इसके जितने भी ऑप्शन है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट जो मेरा दिख रहा है लोड, तो लोड पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, तो लोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कितने प्रकार के लाइन टाइप होते हैं यहाँ पे आप लोगों को आ जाएंगे। डैश डैश देखो, जितने भी कोई भी लाइन आप लोगों को देना है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ओके प्रेस कर। मान लीजिए मेरे को सेंटर लाइन यहाँ पे देना है तो सेंटर यहाँ पे क्लिक कर देना है, सेंटर को सिलेक्ट कर लेना है और ओके यहाँ पे प्रेस कर देना है। देख सकते हो मेरा सेंटर यहाँ पे आ चुका है। अब सेकंड जो ऑप्शन आता है मेरा डिलीट। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जितने भी लाइन है आप लोगों को कोई को लाइन को डिलीट करना है, मान लीजिए मेरे को बाई दी ब्लॉक डिलीट करना है, तो इस पर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे तो ये लाइन टाइप नहीं डिलीट होगा क्योंकि ये लाइन टाइप ऑलरेडी इसमें दिया रहता है। मान लीजिए मेरे को सेंटर लाइन ही डिलीट करना था, तो मैं सेंटर लाइन को यहाँ पे सिलेक्ट करके और यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। तो देख सकते हो मेरा यहाँ पे डिलीट हो चुका है। तो बाय डिफॉल्ट जो तीन यहाँ पे लाइन दिख रहे हैं ये लाइन आप लोगों को डिलीट नहीं होंगे क्योंकि इस प्रकार ये ज्यादा यूज होता है। फिर मान लीजिए मुझे कोई लाइन करंट यूज करना है, तो इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे करंट पे क्लिक कर देंगे, तो ये मेरा जो लाइन हो जाएगा ये करंट मेरा अभी यूज होने लगेगा। तो ये हो गया मेरा करंट का यूज। फिर मान लीजिए इस लाइन का मुझे डिटेल जानना है कि ये लाइन क्या है, तो यहाँ पे आप शो दी डिटेल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल इस लाइन का मिल जाएगा। तो अभी इसके बाद जो कमांड आने वाला है, अभी मैं आप लोगों को ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी का जो नेक्स्ट कमांड बताने वाला हूँ उस कमांड में लाइन टाइप का यूज आप लोगों को करके दिखाऊंगा। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करो, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ लाइन टाइप। तो मेरा आई थिंक आप लोगों को लाइन टाइप समझ में आया होगा। सो गाइस, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी का जो अब नेक्स्ट जो कमांड है जिसका नाम है प्रॉपर्टी विंडो। तो कमांड जो हो जाएगा मेरा प्रॉपर्टी विंडो और शॉर्टकट की हो जाएगा PR। तो आपको कीबोर्ड का PR टाइप करना है और इंटर या स्पेस यूज कर लेना है। तो देख सकते हो मेरा यहाँ पे प्रॉपर्टी विंडो यहाँ पे ओपन होके आ चुका है। तो प्रॉपर्टी विंडो का यूज क्या है, प्रॉपर्टी विंडो क्या चीज है, तो मैं आप लोग को डिटेल में अभी बता देता हूँ। तो प्रॉपर्टी विंडो से यहाँ पे आप कोई भी लाइन का डिटेल जान सकते हो, चाहे वो आप कुछ भी यहाँ पे जान सकते हो कि वो लाइन जो है मेरा कंटिन्यूअस है, डैश डैश है, फिर लाइन में कौन सा कलर दिया गया है, ये सब आप यहाँ पे फुल डिटेल में जान सकते हो। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं ऊपर से दिखा देता हूँ। तो जनरल में आप ये लोग फर्स्ट जो ऑप्शन देख पा रहे होंगे, तो कलर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो कलर आप लोग यहाँ पे इजिली यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए मेरा यहाँ पे बाय द डिफॉल्ट व्हाइट कलर है, तो मुझे यहाँ पे रेड कलर करना है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। इस पे जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो इस लाइन का पूरा डिटेल यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हो। अब हम लोगों को मान लीजिए ये लाइन का कलर जो है हम लोगों को दूसरा कलर कोई चाहिए, तो हम लोगों ने रेड लिया था। तो मान लीजिए यहाँ पे देख सकते हो मैं जिस कलर पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है।
तो मान लीजिए मुझे को साइन कलर चाहिए, तो साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो अभी आप लोगों को साइन कलर दिख नहीं रहा है, तो मैं आप लोगों को दिखा, देख सकते हो यहाँ पे मेरा साइन कलर यहाँ पे आ चुका है। तो ये मेरा कलर हो गया। फिर यहाँ पे आप लेयर भी दे सकते हो। फिर लाइन टाइप, मैंने आप लोगों को बताया है कि लाइन टाइप का इसमें, अब हम लोग यहाँ पे मैं आप लोगों को लाइन टाइप यूज करके बताता हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे लाइन टाइप पे क्लिक कर देना है। लाइन टाइप पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे तीन ही लाइन है। तीन ही लाइन क्यों है, मैंने आप लोगों को लाइन टाइप में दिखाया था कि तीन लाइन वहाँ पे ऑलरेडी हमेशा सेलेक्ट रहते हैं। तो मुझे मान लीजिए वो डैश डैश लाइन चाहिए, तो डैश डैश लाइन लाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, फिर से LT टाइप करना है और इंटर प्रेस कर लेना है। तो मैं यहाँ पे LT टाइप कर लेता हूँ, LT टाइप करता हूँ और इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो देख सकते हो मेरे सामने लाइन टाइप आ चुका है। अब मान के चलिए मुझे वो डैश डैश वाला लाइन चाहिए, तो फिर लोड पे आपको चले जाना है। फिर यहाँ पे डैश लाइन फर्स्ट जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे ओके प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे आ चुका है, फिर हम लोग ओके यहाँ पे प्रेस कर देंगे। अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। फिर आप लोगों को क्या करना है, किस लाइन को डैश डैश, मान लीजिए इसी लाइन को मुझे डैश डैश करना है, तो इस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे फिर आपको लाइन टाइप पे चले जाना है। लाइन टाइप पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो एक मेरा नया ऑप्शन आ चुका है, जो मैंने लाइन टाइप में वहाँ पे लोड किया था, तो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। तो अब आप लोगों को ये डैश डैश वाला लाइन चाहिए, तो इस पे जाके क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये मेरा डैश डैश लाइन हो चुका है, मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। तो आपको एस्केप बटन प्रेस करना है, तो यहाँ पे आप लोगों को जब जूम करोगे तो देख सकते हो कि मेरा लाइन जो है डैश डैश हो चुका है। तो ये मेरा यहाँ पे आप लाइन टाइप को यूज करके कोई भी लाइन को चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप लाइन टाइप 1 दे सकते हो, मतलब जितना आपको लाइन टाइप चाहिए इतना पे दे सकते हो। फिर लाइन वेट देख सकते हो यहाँ पे, मतलब टोटल आपको कोई भी प्लान का मतलब जितना भी इंफॉर्मेशन होगा आपको यहाँ पे ऑलरेडी दे देगा। आप यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकते हो, बाद में आपको डिलीट करने का ऑप्शन नहीं। मान लीजिए मुझे कोई लाइन ग्रीन चाहिए था तो उसको फिर से डिलीट करने का, तो वो चीज आप लोगों को करना नहीं है, वो चीज आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। तो इस सब का यूज जो है मैं प्लान में करके आप लोगों को दिखाऊंगा, उस समय आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से समझ में आएगा। आई होप आप लोगों को प्रॉपर्टी विंडो समझ में आया होगा। सो गाइस, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी का सबसे लास्ट जो कमांड आता है वो है मैच प्रॉपर्टी। तो कमांड जो हो जाएगा मेरा मैच प्रॉपर्टी और शॉर्टकट की हो जाएगा MA। तो आपको कीबोर्ड का MA टाइप कर लेना है। मैं यहाँ पे MA टाइप करता हूँ, एंटर और स्पेस का यूज कर लेता हूँ। अब मैं आप लोगों को बता दूं तो मैच प्रॉपर्टी का यूज क्या चीज में है। तो आप लोगों को जो वर्ड से ही पता चल रहा हो कि मैच प्रॉपर्टी, तो किसी चीज को मैच करना वही है मेरा मैच प्रॉपर्टी। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये लाइन आप लोगों को साइन कलर जो दिख रहा है, तो अब इसमें व्हाइट कलर आप लोगों को दिख रहा है, तो ये चीज आपको मैच करा देना है। तो मैं इससे इसको मैच करा दूंगा, तो ये मेरा जो साइन कलर है इसमें भी साइन कलर आ जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मुझसे पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए कि इसको मैच कराना है, तो मैं इसको इससे इसको मैच कराना चाहता हूँ। तो देखना, अभी देख सकते हो कि जैसे ही इस पे जा रहे हैं तो वो साइन जो कलर है ये इस पे भी आ रहा है। आप लोगों को दिख भी रहा होगा, तो यहाँ पे देख सकते हो साइन कलर आ चुका है। तो यही होता है किसी चीज को मैच कराना, वही मेरा मैच प्रॉपर्टी होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मैच प्रॉपर्टी। सो गाइस, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ और आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। और मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा और आपसे इजाजत चाहता हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस।